नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जीवनी जो कि ली गई है कक्षा 10 विषय हिंदी किताब स्पर्श से। चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर 1861 से 1941। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्व अध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ, उपन्यास, गोरा, घरे बाइरे और रविंद्र के निबंध। दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जीवनी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।